जिले में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। बख्शीपुर के MSI इंटर कॉलेज में 11 छात्र समेत 13 को डेंगू होने के बाद तो स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल गई। आपको बता दें, शनिवार को CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उनके साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर AK पांडे मौजूद रहे। अधिकारियों का दल सबसे पहले अलीनगर के कुर्मियान टोला पहुँचा। यहाँ से 2 मरीज मिले। इस क्षेत्र में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। टीम को यहाँ गंदगी का अंबार मिला। मौके पर पार्षद संजय मिले। टीम ने लोगों से स्वच्छता के मानक का पालन करने को कहा। यहाँ गलियों और नालियों में सफाई कराने के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। दिलचस्प है कि डेंगू के दंश से जूझ रहे MSI के छात्रों का हाल जानने के लिए CMO MSI कॉलेज पहुँचे। कॉलेज बंद मिला। इसके बाद CMO ने परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने जल जमाव वाले क्षेत्रों को देखा। CMO ने MSI प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। CMO ने जिला अस्पताल के सेंटिनल लैब का निरीक्षण किया। इसी लैब में एलाइजा जांच की सुविधा है। लैब तकनीशियन संजय कुमार ने बताया कि अब तक 215 मरीजों के खून के नमूनों की जांच हुई है। इसमें 13 में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें गोरखपुर के 19 मरीज हैं। इसके अलावा देवरिया के 4, कुशीनगर के 3, संतकबीरनगर के 1 और बिहार के 6 मरीजों के डेंगू की पुष्टि हुई है। साथ ही महानगर में डेंगू का डंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सावित्री अस्पताल में 9 नए मरीजों भर्ती हुए हैं। कार टेस्ट में डेंगू की तस्दीक हुई है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के खून के नमूनों के एलाइजा जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा। हमारी टीम वहाँ जांच के लिए गई थी, जैसा समाचार पत्रों में छपा था उस हिसाब से वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ गंदगी बहुत थी, जिसमें नगर निगम की टीम भी पहुँची थी और उसने उसको पूरी सफाई कराई है स्कूल की। और हॉस्टल में पाइप्स लीक कर रही थी, उनके लिए प्रिंसिपल साहब से वहाँ वार्ता हुई और उसको इमीडिएट ठीक कराने की बात थी, क्योंकि पानी वहाँ स्टैग्नेट हो रहा था। बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में थे नहीं, वो घर चले गए थे, और कुछ जो मिले थे उनका हमने सीरम ले लिया है और अपने सेंट्रल लैब में टेस्ट करा रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम उनको डेंगू मानते हुए उनका पूरा इलाज करेंगे। वैसे उनका इलाज चालू हो गया है कॉमन दवाइयों से, और कोई ऐसा गंभीर रोगी भी नहीं मिला वहाँ पर, या कोई बच्चा भी नहीं मिला। और उसी के तर्ज पे हम अभी सभी बस्तियों में, खास करके मलिन बस्तियों में, फॉगिंग लार्वल साइडल का स्प्रे ये सब करा रहे हैं, और अगर कोई फीवर का केस मिलता है तो उसकी स्लाइड बनवाना और उसकी जांच कराना, ये कार्य भी चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट पैथोलॉजीज को हमने लेटर जारी किया है कि अगर आपके यहाँ कहीं भी सेंटिनल लैब पॉजिटिव केस मिलता है तो उसकी इमीडिएट सूचना हमको अवश्य दें, और हम अपने आदमी भेजते हैं उनके नर्सिंग होम में जहाँ वो भर्ती है, वहाँ से उसका सीरम मंगाते हैं और अपने यहाँ टेस्ट कराते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट पैथोलॉजी केवल कार्ड टेस्ट करती हैं, क्योंकि ये महंगा टेस्ट है, सेंट्रल लैब से जो किया जाता है वो महंगा होने के नाते वो करते नहीं हैं, और उसी को घोषित कर देते हैं कि ये डेंगू का केस है। जबकि डेंगू का केस जब तक हमारी लैब से, या उनके यहाँ अगर सुविधा है उनके उस सेंट्रल लैब से टेस्टिंग होके IgM जिसमें टेस्ट करते हैं वो ना आ जाए, तब तक उसको डेंगू का नहीं मानते हैं। कहीं कहीं ये भी सुनने में आया है कि लोग मरीज़ को थोड़ा सा भयभीत करने के लिए कि अरे तुम्हें डेंगू हो गया, प्लेटलेट लगेगी, ये लगेगी, जिससे कि नर्सिंग होम को कुछ पैसे और मिलें, चार्जेस वो ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसी भी बात सुनने में आई है। उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्लेटलेट्स वगैरह अगर चढ़ानी है और डेंगू का पॉजिटिव केस है तो उसके भी रेट्स पे कंट्रोल करना है। ये नहीं कि ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको काफ़ी महंगे दाम में प्लेटलेट की बात करें। तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। आज मैं स्वयं भी मौर्य मोहल्ला और यादव मोहल्ला है यहाँ पे, वहाँ पे गया था। नगर निगम के अधिकारी भी हमारे साथ थे, आए थे वहाँ पे भी। हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट कराए हैं, साफ़ सफाई भी नगर निगम वहाँ करा रहा है। इस तरह से मैं बहुत सारी जगहों पे स्वयं भी जाऊंगा। हमारी टीम भी लगी हुई है मलेरिया की, फाइलेरिया की, और DMO उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिलहाल अभी कोई डेंगू से कोई डेथ किसी भी प्रकार की नहीं है। केस पॉजिटिव जो लैब पॉजिटिव हैं वो 10 से 12 पॉजिटिव आए हैं,
पर वो काफ़ी कुछ सारे ठीक हो गए हैं, कुछ का इलाज चल रहा है। सर, MSI के कुछ छात्रों के घर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए जाने वाली थी, क्या कुछ? हाँ, वहाँ पे जांच के लिए सीरम, उनका ब्लड लेने के लिए हमारी टीम गई है बच्चों के पास। वो काफ़ी स्वस्थ हैं, वो बच्चे कोई ऐसी गंभीर हालत में नहीं है, और उनको हम सीरम पॉजिटिव आने के बाद ही बता पाएंगे कि वो डेंगू से हैं या नॉर्मल बुखार या वायरल फीवर की टाइप। सर, किसी अन्य जगहों में भी इस तरह की सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना कहीं से नहीं आई है, लेकिन अब हमारी टीमें हर जगहों पे जो संभावित हैं, जैसे जितने भी स्कूल हैं जहाँ हॉस्टल्स हैं, हालांकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, दिन में साफ़ सफाई रहती है, घर चले जाते हैं, लेकिन जहाँ हॉस्टल्स हैं वहाँ गंदगी बहुत है, वहाँ पानी का जमाव भी हो रहा है, उन चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं। बस अड्डों पे जहाँ पे इनके पुराने टायर वायर पड़े रहते हैं जिनमें पानी रहता है, उनको खाली कराया गया है बहुत सारी जगहों में उनको, लेकिन अगर फिर उसमें पानी भरता है तो हम उन्हें नोटिस दे चुके हैं और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उन स्कूल्स की जहाँ पर हॉस्टल्स हैं उनकी हम गहन छानबीन करा रहे हैं, और उन एरियाज़ को जैसे कबाड़ जो रखते हैं, कबाड़ी लोग अपने कबाड़ खाने में टूटी हुई बाल्टियाँ, मग्गे, टायर पुराने, ये सारी चीज़ें उसमें रखते हैं जिसमें पानी जमा रहता है और वहाँ डेंगू का मच्छर ब्रीड करता है और फैल सकता है, तो उनको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं और खाली करवा रहे हैं वो सब। पहली बार नोटिस जारी करते हैं, अगर वो फिर नहीं सुधरते हैं तो फिर हमको फाइन बोलते हैं। सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या कुछ है? हमारे यहाँ जांच की सारी सुविधा है, और जैसा कि आपको मालूम है कि डेंगू के लिए हमारे वार्ड्स हैं और उसमें मच्छरदानी युक्त हमारा वार्ड है, और डेंगू की जो भी दवा चलनी है वो समस्त दवाएं हमारे ही चिकित्सालयों से दी जाएंगी और वहाँ सब दवाएँ उपलब्ध हैं। हम शुरू के आठ मरीज जो आए थे उसमें 7 मरीज हमने अपने ही जिला चिकित्सालय में एडमिट करके ठीक करके घर भेज दिया था। एक मरीज को जो रिपोर्ट थी वो रामानोड़ लोहिया में स्वयं भर्ती था, लेकिन रिपोर्ट हमें मिली थी कि ये गोरखपुर का रहने वाला, तो उसके घरों के पास में निरोधात्मक कार्रवाई जो फॉगिंग का है, लार्विसाइडल का छिड़काव का है, उन लोगों के कांटेक्ट में आने वालों के ब्लड सैटेलाइट वगैरह बनाना, ये सब कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, डेंगू के कुछ केसेस के रिपोर्ट्स हुए हैं हमारे यहाँ, 215 जांच हुई है, उसमें भी 18 डेंगू पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 9-10 लोगों का इलाज हमारे ज़िला अस्पताल में हुआ, ठीक होकर चले भी गए। ये मैं रिपोर्ट 1 अप्रैल से बता रहा हूँ, और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि प्राइवेट पैथोलॉजीज़ में टेस्ट होने पर पॉजिटिव आया, तो उसकी जाँच करी गई, तो उसमें बताया गया कि कार्ड से टेस्ट हुआ है। मैंने उन लोगों से डिटेल लिए हैं और उसकी निरोधात्मक कार्रवाई और सोर्स रिजेक्शन की कार्रवाई चालू किया। इसी संदर्भ में आज मैंने शहर में दौरा किया, मैं वहाँ पे यादव बस्ती में और वर्मा लोग रहते हैं उस बस्ती में, और स्कूल में गया था जहाँ पे बात आई थी कि हॉस्टल में काफ़ी डेंगू के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे कोई नहीं मिले। ये पता लगा कि 2-4 लोगों को फीवर आ रहा है, उनकी जाँच कराई जा रही, स्लाइड्स बनाई गई हैं, और हम फॉगिंग और लार्विसाइडल छिड़काव इसको हर क्षेत्र में करा रहे हैं। नगर निगम भी उसमें साफ सफाई और इस फॉगिंग कराने में हमारी मदद कर रहा है। उसी संदर्भ में आज एक दौरा किया था। कल MSI स्कूल में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि डेंगू के कुछ मरीज पाए गए हैं, तो वहाँ मेडिकल टीम के साथ नगर निगम की टीम गई थी। वहाँ ये पाया गया कि केमिस्ट्री लैब की कुछ अनयूज्ड बॉटल्स थी जिनको डिस्पोज करने के जगह पे कहीं पे रख दिया गया था, जिसमें पानी इकट्ठा हो गया था, और साफ पानी इकट्ठा हो जाने से उसमें डेंगू के मच्छर के लार्वा मिले थे। सर, आज भी टीम गई थी कहीं अन्य जांच के लिए? जी, जब समाचार कहीं से मिलता है या किसी मोहल्ले में ऐसा कोई समाचार मिलता है कि डेंगू से कोई मरीज पीड़ित है, तो उस मोहल्ले का निरीक्षण करते हैं हम मेडिकल टीम के साथ, और वहाँ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त लगातार नगर निगम पिछले कई महीनों से फॉगिंग की कार्रवाई और एंटी लार्वा स्प्रे की कार्रवाई लगातार कर रहा है। फिर भी ये ज़रूरी है कि नगर वासियों को ये प्रेरित किया जाए, ये जानकारी दी जाए कि किसी भी दशा में साफ पानी को एकत्रित न होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर के लार्वा साफ पानी में ही पैदा होते हैं, और ये साफ पानी सामान्यतः लोगों के घरों में, गमलों में,
या फिर कहीं रुका हुआ साफ पानी कूलर में या टायर में विशेषकर, तो ये बताने के बावजूद भी दुख की बात है कि कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसलिए डेंगू का प्रकोप अगर कहीं कुछ होता है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आसपास कहीं कोई पानी ऐसा साफ ठहरा हुआ तो नहीं है जिसमें डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं।